दोस्तों आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाने वाला है। इस मुकाबले के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। चेन्नई की टीम में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, कौन कौन से 11 धाकर खिलाड़ियों के साथ चेन्नई की टीम मैदान पर उतरने वाले हैं, इसके साथ ही कौन से विस्फोटक खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है और भी दो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। यह सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि आपके मुताबिक फाइनल मुकाबला कौन जीतेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स या तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाने वाला है। इस मैच में हमें चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से यह मुकाबला शुरू हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगाने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार चैंपियन रह चुके हैं और इनका मकसद रहेगा 4थी बार चैंपियन बनने का। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार चैंपियन बन चुके हैं और 3री बार चैंपियन बन जाएंगे यदि फाइनल मुकाबला जीतेंगे तो। दोस्तों बात की जाए इन दोनों के पिछले आंकड़ों की तो अभी तक आईपीएल 2021 में इन दोनों में एक दूसरे से 2 बार टक्कर हुई है। पहली बार जब भारत में आईपीएल हुआ था तब चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हराया था और दूसरी बार इन दोनों की भिड़ंत यूएई में फिर से हुआ और उसके बाद वहां पर भी चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता को 2 विकेट से हराया। और यह आंकड़े दिखाते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स पर थोड़ी सी हावी है। और हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए यानी कि अभी तक आईपीएल के इतिहास में इन दोनों का सामना 25 बार हुआ है जिसमें से 16 बार चेन्नई की टीम ने जीत दर्ज की है, वहीं पर 8 बार कोलकाता की टीम ने जीत हासिल की है। इसके अलावा एक ऐसा भी मुकाबला था जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था और इन आंकड़ों को देखा जाए तो चेन्नई की टीम काफी ज्यादा मजबूत निकल कर आ रही है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के पिछले प्रदर्शन की बात की जाए तो चेन्नई की टीम अपना पिछला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ जीतकर पहुंचे हैं फाइनल में, जहां पर चेन्नई की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। हालांकि जब लीग मुकाबले हो रहे थे तब चेन्नई की टीम को लगातार 4 मुकाबले हारने पड़े थे और दिल्ली के खिलाफ खेले गए मुकाबले में चेन्नई की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही शानदार रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण कि पिछले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पावरफुल बल्लेबाजी का नजारा दिखाया था। और अब बात कर लेते हैं फाइनल मुकाबले के लिए क्या रहेगी चेन्नई की टीम, कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे। दोस्तों ओपनर्स की बात की जाए तो ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ और फैब डुप्लेसिस। ऋतुराज गायकवाड़ की बात की जाए तो इस आईपीएल सीजन ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी शानदार बल्लेबाजी की है। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी ऋतुराज गायकवाड़ ने 70 रनों की पारी खेली थी जो काफी ज्यादा अहम थी। अभी तक इस आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ ने 15 मैचों में 603 रन बनाए हैं। वहीं इस मुकाबले में यदि ऋतुराज गायकवाड़ और 24 रन बना लेते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ के पास ऑरेंज कैप आ जाएगा और आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे ऑरेंज कैप हासिल करने वाले। वहीं फैब डुप्लेसिस की बात की जाए तो पिछले मुकाबले में फैब डुप्लेसिस दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बल्लेबाजी में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, जहां पर सिर्फ 1 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे थे। लेकिन पूरे सीजन की बात की जाए तो अभी तक इस खिलाड़ी का आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, जहां पर फैब डुप्लेसिस ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 15 मैचों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 547 रन बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे मजबूत इकाई उनके ओपनर्स बल्लेबाजी हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स अपने फाइनल मुकाबले में अपने ओपनर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो नंबर 3 पर मोइन अली मौजूद रहेंगे। मोइन अली का प्रदर्शन अभी तक के आईपीएल में शानदार रहा है। पिछले मुकाबले में मोइन अली ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, जहां पर पिछले मुकाबले में 4 ओवर में 27 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था। वहीं पर बल्लेबाजी में भी 16 रनों का योगदान दिया था और अब फाइनल मुकाबले में मोइन अली अपना जलवा बिखेर सकते हैं। इसके बाद 4थे नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा मौजूद रहेंगे। पिछले कुछ मुकाबलों में सुरेश रैना की नाम मौजूदगी की वजह से रॉबिन उथप्पा को मौका मिल रहा था, लेकिन जो क्वालिफायर 1 मुकाबला था उसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 63 रन की अहम पारी खेली थी। और उनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से यदि सुरेश रैना ठीक भी हो जाते हैं तो फिर रॉबिन उथप्पा ही खेलेंगे। नंबर 5 पर कप्तान के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ही आएंगे। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में अपने अच्छे कप्तानी के जरिए अपनी टीम को कई सारे मुकाबले जिताए हैं और यहां तक कि फाइनल तक भी पहुंचाया है। हालांकि पूरे आईपीएल सीजन को देखा जाए तो धोनी का बल्ला फ्लॉप नजर आया था, लेकिन प्लेऑफ के मुकाबले में उनका बल्ला गरजा था, जहां पर मात्र 6 गेंदों में 18 रन की पारी खेली थी और चेन्नई की टीम को जीत दिलाई थी। नंबर 6 पर रह सकते हैं अंबाती रायडू या तो फिर उनकी जगह पर सुरेश रैना भी खेल सकते हैं। पिछले कुछ मुकाबलों से अंबाती रायडू का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। वहीं पर चोटिल सुरेश रैना पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। सुरेश रैना की खासियत यह है कि वह बड़े मैचों में कई बार अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मौजूद रहेंगे। पिछले मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 23 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया था। वहीं पर अभी तक रविंद्र जडेजा को जब भी मौका मिला है तब तब उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और उम्मीद कर सकते हैं आपको फाइनल मुकाबले में उनका प्रदर्शन अच्छा ही देखने को मिलेगा।
जाएगा। इसके बाद नंबर 8 पर आप सभी को ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ हुआ था उसमें ड्वेन ब्रावो ने गेंदबाजी करते हुए एक विकेट हासिल किया था, वहीं बल्लेबाजी में इन्हें मौका नहीं मिल सका था। और पूरे आईपीएल 2021 का सीजन की बात की जाए तो अभी तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है ड्वेन ब्रावो ने। इसके बाद नंबर 8 पर तेज गेंदबाज दीपक चहर खेलते हुए नजर आएंगे। इस आईपीएल में दीपक चहर की गेंदबाजी काफी अच्छी रही है, उन्होंने अभी तक 14 मैचों में 13 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा नंबर 10 पर तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर मौजूद रहेंगे। अभी तक शार्दुल ठाकुर चेन्नई की तरफ से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। चेन्नई की तरफ से अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक शार्दुल ठाकुर ने 18 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर को बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला है, नहीं तो वहां पर भी वह अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड मौजूद रहेंगे। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जॉस हेजलवुड ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा था, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल किए थे और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से जॉस हेजलवुड के द्वारा अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलेगी हमें। तो दोस्तों यह था चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेइंग 11 कोलकाता के खिलाफ फाइनल मुकाबले में। आप अपनी प्लेइंग 11 हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं और इस प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी मिसिंग हैं हमें वह भी आप कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हम हर दिन लाते हैं, तो हमारे साथ बने रहें, वीडियोस को देखें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।